नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोकिया के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, स्पेशली वन प्रोडक्ट के बारे में नहीं, दो तीन प्रोडक्ट लॉन्च किए जैसे कि एंड्रॉइड टीवी और प्योर बुक S14 इंच में आपको देखने के लिए मिल जाती है। बात करें एयरबड्स लॉन्च किए, मोबाइल फोन लॉन्च किए, मतलब सभी चीजों में उतरा पड़ा हुआ है और प्राइस की इस टाइम मतलब कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल जोन में तो आते हैं और आपको सस्ते भी देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट टीवी के बारे में। तो दोस्तों बात करें नोकिया क्यू एलईडी टीवी रेंज, तो गाइस आपको जो मॉडल मिल जाते हैं 50 इंच में मिल जाता है, 55 इंच में मिल जाता है और क्वालकॉम डॉट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, मतलब आपकी क्लियरिटी जो है पिक्चर की क्वालिटी की बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और गाइस बात करें इसमें, मतलब मुझे साउंड सिस्टम बहुत अच्छा लगा, सच्ची बताऊं तो 60 वाट का आपको साउंड सिस्टम मिलता है जेबीएल का। जेबीएल के साउंड हम हल्के से में नहीं लेते बिल्कुल भी, तब आपको जो चाहिए होता है ना एक्चुअली वही आपको प्रोवाइड करवाता है, जितनी धमक बेस सब कुछ। और दोस्तों बात करें ऑडियो EFX एल्गोरिदम मिल जाता है, मतलब ये आपके बेटर करता है साउंड क्वालिटी को, जो छोटी छोटी होती है डॉली आइटम साउंड इफेक्ट मिल जाता है, मतलब यह है कि पिक्चर में जो चीज मूवमेंट चलता है तो साउंड हल्की है तो उस हिसाब से प्रेजेंट करता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये डॉली की तरफ से। बात करें इसमें जो आपको प्रोसेसर मिल जाता है वो मिल जाता है 700 MHz G31। और बात करें इसमें आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी दी गई है 2 GB रैम के साथ आता है और 16 GB आपको स्टोरेज, मतलब नॉर्मली आप एप्लीकेशन ही डाउनलोड करने के लिए सफिशियंट रहता है। तो गाइस कब खरीद पाएंगे, तो 3 अक्टूबर को आप बिग बिलियन डे पे एक्सक्लूसिव भी खरीद पाएंगे। और जो इसका प्राइस सेगमेंट है गाइस वो थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन क्योंकि तब आप लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्राइस को अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको प्राइस सेगमेंट देखने के लिए मिलता है 49,999 रुपये, मतलब 50,000 रुपये की रेंज में आपको देखने के लिए मिलता है। लैपटॉप जो कि नोकिया प्योर बुक S14 देखने के लिए मिल जाता है, 14 का इनडायरेक्टली मतलब 14 इंची में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आप तो फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब 1080 पर आप नॉर्मली वीडियो चला पाएंगे। और दोस्तों बात करें जो इसका स्क्रीन रेशियो दिया गया है, मतलब जो स्क्रीन स्क्रीन दी गई है पूरे टोटल मिला के 82% स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, बाकी 18% आपको ब्रेजर देखने के लिए मिल जाती है साइड के। बात करें आपको मतलब 16 GB रैम मिलती है और 512 GB SSD मिल जाती है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, मतलब हैंगिंग प्रॉब्लम से आप कोसों मील दूर चले गए। और जो प्रोसेसर मिलता है इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिल जाता है, और इसमें गाइस रैम में जो है दो मॉडल दिए गए, आप 8 GB के साथ भी ले सकते हैं, 16 GB के साथ भी लिए गए, ये तो आपको अच्छी एक चीज नहीं मिलती है। और बात करें आपको विंडो 11 प्री इंस्टॉल देखने के लिए मिलेगी, तो गाइस अब विंडो 10 वाला जमाना बहुत तेज बदलने वाला है और अब नए लैपटॉप में आपको विंडो 11 नहीं देखने के लिए मिलेगी, ये अच्छी चीज है। और बात करें इसमें भी आपको साउंड क्वालिटी अच्छी दी गई है, एटम बट JBL साउंड नहीं दी गई है। USB A 3.0 पोर्ट सिंगल मिल जाती है, USB-C टाइप पोर्ट मिल जाती है, HDMI पोर्ट मिल जाती है। और दोस्तों क्योंकि ज्यादा पोर्टों की जरूरत है भी नहीं मोबाइल में, जो इसका प्राइस सेगमेंट है तो गाइस प्राइस सेगमेंट भी ज्यादा हैवी नहीं रखा है, 56,990 रुपीज रखा गया, मतलब 57,000 रुपए का आपको पड़ जाता है। तो गाइस मतलब बात की जाए यहाँ पे थोड़ी जनरेशन क्लियर नहीं कही है कि इंटेल कोर i5 ही कहा है कि 11 जनरेशन ही होगा ऑफकोर्स, क्योंकि 10 जनरेशन नहीं देंगे। तो गाइस तब आप खरीदना चाह रहे हैं, रियली अच्छा है लैपटॉप, लेकिन फिर नोकिया पे वाला विश्वास नहीं रह गया जो कि पहले था नोकिया, तो थोड़ा सा HP की तरफ मूवमेंट कर सकते हो। तो और बात करें जो नए आपको बड्स और कुछ हैंडसेट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो गाइस नोकिया ने जो नए अपने हैंडसेट लॉन्च किए, नोकिया T4010, नोकिया T3020, नोकिया T3010 और आपको TWS देखने के लिए मिल जाते हैं, बट जो कि स्टार्टिंग प्राइस उसका 1499 रुपए। तो मतलब आप खुद अनसेटिस्फाई है नोकिया के बड से, अपने बड से, कि आप सैमसंग या मतलब एप्पल का मुकाबला करने के लिए बचे नहीं, आप LG का भी मुकाबला नहीं कर रहे प्राइस सेगमेंट में, क्वालिटी में, मतलब आपको कुछ खास चीजें देखने के लिए मिलती। लेकिन बात करें जो ये मोबाइल फोन लॉन्च किए हैं 3,500 रुपए की रेंज में किए, मतलब मोबाइल फोन क्यों 2G या 3G पे सपोर्ट करने के लिए डिजाइन करने पर लगा हुआ है नोकिया, क्यों दोबारा से उसी मार्केट में जाना चाह रहा है जो आज से कम 2004 या 2005 की बात थी, तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो गाइस इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।